और जो विरोध है जो इस वर्तमान सरकार का और मुखर होगा और सशक्त होगा। कितना फायदा होने वाला है? लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए राजनीति में कोई थोड़ा ये कोई पूरी पूरी तरीके से आप आकलन शत प्रतिशत सही नहीं कर सकते। बस हम ये कह सकते हैं इनके आने से पार्टी को गति मिलेगी, पार्टी को ताकत मिलेगी और ये सिलसिलेवार चल रहा है। ये लोग आ रहे हैं, लोग हमसे संपर्क साध रहे हैं, पार्टी में सम्मिलित करने में पर पार्टी की क्रिया होती है और उसको फिल्टर करके हम लोग पार्टी में सम्मिलित करते हैं। राज्य सरकार की रिकमेंडेशन में बात की बात है लेकिन कुछ नहीं करेंगे मैदान में डूबा किसान सदन के साथ केजरीवाल की बात आज पहले कहीं ना कहीं मजबूर देखने की आप कहाँ सीट को देखो सबसे आगे रखा और जो हमारे साथ उस लड़ाई में हमारे साथ आए उनसे जरूर इस लड़ाई में इजाफा होगा और सभी लोगों को हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ना आगे आने वाले समय में और अच्छा रहे। लेकिन ओवरऑल जिस हाल में मैं कह रहा हूँ कि इलाहाबाद उपचुनाव सीट का इंतजार बहुत लंबे समय से पूरे हरियाणा कर रहा है उसी के साथ काफ़ी कुछ बात पर है क्योंकि विधायक सिटी कैबिनेट ने किसान आंदोलन के चक्कर में अपना ही जो एक तरह से सीट रिजाइन किया था लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जो अभी रिकमेंडेशन जो उसके हिसाब से इलेक्शन डिले होता जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की रिकमेंडेशन सरकार डिले कर रही है चुनाव को इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जब भी उपचुनाव हो हम तैयार हैं और हम सभी मिलकर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। सर सर हाँ हाँ